नमस्कार। नई परख के राष्ट्र मुद्दा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में रोज चर्चा करते हैं, राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की समझ बनाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से यह अनुरोध करूंगा कि वो हमारे चैनल नई परख को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। राहुल गांधी ने और उसके पहले अखिलेश यादव ने संसद में जो एक घटना घटी जिसमें कुछ युवक कूद कर आ गए थे संसद के वेल में, उन्होंने नारेबाजी की थी, कुछ केमिकल धुआं वगैरह भी छोड़ा था, उसको इन लोगों ने बेरोजगारी की समस्या से जोड़ा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी लोग गरीब हैं और वो बेरोजगारी की समस्या से परेशान थे। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने भी इसी मुद्दे की तरफ इशारा किया। तो क्या आपको ये लगता है कि इंडिया गठबंधन के दल जो हैं वो सुनियोजित तरीके से एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसे? देखिए, बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। अखिलेश यादव ने भी बात सही कही है और राहुल गांधी ने भी बात सही कही है। इनमें से कोई भी आतंकवादी नहीं है, कोई भी समाज विरोधी तत्व तो नहीं है। जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि इन्हें किसी न किसी ऐसे मामले से जोड़ दिया जाए। और भाजपा की लाइन पूरी ये है कि ये कांग्रेस कम्युनिस्ट कनेक्शन है या ये आंदोलनजीवी है वगैरह वगैरह, इस तरह का मामला चल रहा है। दरअसल सरकार इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देकर ये दिखाना चाहती है कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको हम ये नहीं करने देंगे कि आप प्रतिरोध की इस सीमा तक चले आए। क्योंकि जैसे ही ये तो एक घटना हुई है, अगर इस तरह की घटनाएं बार बार होने लगे, विधानसभाओं में इस तरह की घटनाएं होने लगे, मान लीजिए किसी सरकारी कार्यक्रम में या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह से अचानक लोग पर्चे फेंकने लगे या कुछ इस तरह की गतिविधियां प्रचलित हो जाए और सारे देश में जगह जगह इस तरह की पांच पांच छह छह लोग इस तरह की घटनाएं करने लगे तो पूरे देश में एक माहौल बनेगा और बेरोजगारी एक मुद्दे के रूप में खड़ी हो जाएगी। सरकार किसी भी रूप में बेरोजगारी को एक मुद्दे के रूप में सामने नहीं आने देना चाहती। बिहार चुनाव में सरकार देख चुकी है कि अगर कोई विपक्षी दल बेरोजगारी के प्रश्न को संबोधित करता है और उसे अपने चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बनाता है तो उसको उससे लाभ हो सकता है। क्यों, तेजस्वी यादव को जो अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया तो उसमें निश्चित रूप से बेरोजगारी का मुद्दा जिस तरीके से उन्होंने बनाया था उसमें उसकी भूमिका थी। वो चुनाव नहीं जीत पाए, उसके कई कारण हैं, लेकिन जो अच्छा प्रदर्शन किया उसमें मैं मानता हूं कि ये मुद्दा इस मुद्दे की भूमिका थी। तो अब सरकार ये नहीं चाहती। सरकार शुरू से ही, जब से न्यू इंडिया वाला पूरा मामला चला है, न्यू इंडिया की जो शपथ हर नागरिक के लिए बताई गई है, जो नागरिक शपथ लेगा तो उसमें एक शपथ ये भी है कि आप स्वरोजगार प्राप्त करेंगे, स्वरोजगार के लिए कोशिश करेंगे। यानी जब एक बार आई भी शपथ ले लेंगे कि आप स्वरोजगार के लिए कोशिश करेंगे तब फिर आपके लिए रोजगार प्राप्त करने के लिए सरकार से मांग करना मुश्किल हो जाएगा, वो एक तरह से आपके लिए अनैतिक हो जाएगा और आप फिर रोजगार बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन नहीं चला पाएंगे। हम सब लोगों को पता है कि अंतिम बार जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था की जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी थी वो सकारात्मक थी, निचले स्तर में थी लेकिन सकारात्मक थी। उसके बाद धीरे धीरे वो शून्य हुई, कांग्रेस के 10 साल के शासन में शून्य हुई और नरेंद्र मोदी के शासन काल में वो नकारात्मक हो गई, यानी ऋण में माइनस में चली गई। अब अर्थव्यवस्था न केवल रोजगार देने में असमर्थ है बल्कि वो रोजगार छीन भी रही है, ऊपर अर्थव्यवस्था है लोगों के रोजगार छीन रहे हैं, आमदनियां छीन रही हैं। और जैसे जैसे ये सब होगा वैसे वैसे ही रेवड़ी कल्चर, इसको खुद प्रधानमंत्री ने नाम दिया है रेवड़ी कल्चर, ये रेवड़ी संस्कृति लगातार बढ़ती जाएगी। प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी की गारंटियां, तो मोदी की गारंटियां क्या है, दरअसल मोदी की रेवड़ियां हैं। अशोक गहलोत की रेवड़ियां थी, भूपेश बघेल की रेवड़ियां थी, चंद्रशेखर राव की रेवड़ियां थी, अब मोदी की रेवड़ियां हैं और ये प्रक्रिया लगातार और इसी तरीके से जारी रहेगी। मैं तो आज सुबह से ही कल्पना कर रहा हूं कि मान लीजिए किसी किस्म का कानून बनाकर इस तरह की रेवड़ियों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाए, ना राज्यों के स्तर पर ना केंद्र के स्तर पर इस तरह की योजनाएं बिल्कुल बंद कर दी जाए। मुझे तो पक्का यकीन है कि एक महीने के अंदर जो है भारत में सड़कों पर उत्पात होना शुरू हो जाएगा। और जो लोग अभी छोटी छोटी रकमें पाकर या छोटी छोटी छोटे छोटे लाभ सरकार द्वारा दिए गए लाभ पाकर अपनी जगह बैठे हुए हैं और फिर जैसे ही उनके फोन में चमकता है तो वो कहते हैं फूल छापने भेजा है, वो कहते हैं फूल छापने भेजा है और उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। लोकनीति का सर्वे बताता है कि अशोक गहलोत की कम से कम दो योजनाएं ऐसी थी जिनके बारे में राजस्थान के लोगों का मानना था कि प्रधानमंत्री की दी हुई योजनाएं हैं। अशोक गहलोत तमाम प्रचार करके भी जनता को ये यकीन नहीं दिला पाए कि ये उनकी दी हुई योजनाएं हैं।
तो बहुत से लोगों ने इस चक्कर में उन योजनाओं के प्रभाव में आके भाजपा को वोट कर दिया। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति पूरे देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति, पढ़े लिखे नौजवानों की स्थिति, इन सारी स्थिति को बहुत ही विकट बना देती है। देखिए बेरोजगारी बहुत ही अजीब सी चीज है। आप सीमा आजाद के परिवार को देखिए, सीमा आजाद के पिताजी हलवाई है हिसार में, और उनके नीलम आजाद सर उनका नाम है, नीलम आजाद के पिताजी हलवाई है हिसार में, उनके उनके दोनों भाई दूध का काम करते हैं। जाहिर है कि जो हलवाई है या जो जिनके परिवार में तीन लोग स्वरोजगार में जुटे हुए हैं, दूध का काम करते हैं, तो वो ठीक ठाक किसी तरह उनका खर्चा चल रहा है। मतलब उनके पास इतना पैसा है कि वो एक एक ग्रामीण और अर्धशहरी मध्यवर्गीय परिवार जिस तरीके से रहता है, या निम्न मध्यवर्गीय परिवार जिस तरीके से रहता है, उस तरीके से वो रह सकें। लेकिन सीमा आजाद बहुत, नीलम आजाद बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनके पास कमल इतनी डिग्रियां हैं जितनी मेरे ख्याल से हमारे और आपके पास भी नहीं है डिग्रियां उतनी, और वो 40 साल से 42 साल करीब उनकी उम्र हो चुकी है, और वो लगातार धीरे धीरे मेरे ख्याल से सरकारी नौकरी पाने की उम्र से भी शायद वो पार निकलती जा रही है या निकल गई होंगी, मेरा मानना है। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो यूनिवर्सिटी में गया है, जिसने अपना जिंदगी का बहुत बड़ा समय डिग्रियां पाने में हासिल किया लगाया है, वो कुछ एक खास तरह का जीवन जीना चाहता है, और वो जीवन उसे नौकरी से मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में मिले चाहे वो पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिले, और वो नौकरी कहीं उपलब्ध नहीं है। पब्लिक सेक्टर में तो, प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो ये स्थिति है कि इसलिए उसके अंदर बड़ी कुंठा पैदा होगी, और वो कुंठा किसी भी रूप में उसका विस्फोट हो सकता है। मुझे याद पड़ता है कि बहुत दिन पहले मैंने जयंत जयंत सिन्हा जब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे, तो उससे मैंने कहा था, जयंत सिन्हा साहब आपकी कुर्सी के नीचे एक टाइम बम टिक टिक कर रहा है, वो जो बेरोजगारी का टाइम बम है। आपके पास आप आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, उसी उन्हीं मामलों के मंत्री भी हैं, तो आपको चाहिए कि ऐसी कुछ युक्तियां निकालें इससे लोगों के रोजगार मिले। मतलब तो उन्होंने मेरी बात से सहमति जाहिर की थी, लेकिन ये बात 2016-17 की है, तब से अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया। दरअसल सरकार कुछ करने की स्थिति में है भी नहीं। अगर नरेंद्र मोदी आज की तारीख में चाहे कि हमको तो रोजगार देना है लोगों को, तो वो नहीं दे सकते। वो रोजगार देने के लिए उन्हें अर्थव्यवस्था के अंदर एक ढांचा का, एक संरचनात्मक परिवर्तन करना पड़ेगा बहुत बड़ा, और वो सारा का सारा परिवर्तन विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा थमाई गई जो नीतियां हैं, उन नीतियों का उल्लंघन करके होगा, उन नीतियों पर चल के परिवर्तन नहीं होगा। एक बहुत बड़े, एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन उन्हें अर्थव्यवस्था में लाना पड़ेगा, और ये नीतियां जो है वो इसमें कांग्रेस की भी पूरी भूमिका है। आज राहुल गांधी कह रहे हैं इसके बात, लेकिन कांग्रेस के जो 10 वर्ष हैं, उससे पहले नरसिंह राव के जमाने से जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी मनमोहन सिंह ही इन नीतियों के वित्त मंत्री थे, इस 10 साल जो प्रधानमंत्री रहे, वो पूरे के पूरे उन्हीं की भूमिका है। आज जो हो रहा है वो उसी का, नरसिंह राव के 5 वर्ष, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के 6 वर्ष, उसके बाद कांग्रेस के 10 वर्ष, ये 21 वर्ष की ये जो नीतियां हैं उन, और फिर नरेंद्र मोदी के इसमें 10 वर्ष और जोड़ दिए, 31 ईयर्स, ये 31 वर्ष की नीतियों का संचित परिणाम है, जिसकी वजह से सदन में ये बेरोजगारों की घुसपैठ हुई है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अग्निवीर योजना है, जिसमें कि 4 साल की नौकरी के बाद लोगों को फिर से बेरोजगार होना पड़ेगा और उनके पास कुछ प्रशिक्षण रहेगा पर रोजगार की गारंटी नहीं रहेगी, वो इस समस्या को और बढ़ाएगी? क्योंकि बढ़ा सकती है। अभी तक देखिए, जब कोई चीज घटित होती, जब अभी तो हम लोग केवल उसूलन इस बात को कह सकते हैं, अभी हमें लगता है कि वो बढ़ा सकती है, वो पता नहीं किस तरफ जाए वो बात। भाई जब वो लोग उनका कार्यकाल समाप्त होगा फौज में, और जब वो सड़क पे आएंगे, कई जगह कई उन्हें आश्वासन दिए गए हैं कि उन्हें कई तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा व्यवस्था में, जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे वो ठीक है, जो नहीं एब्जॉर्ब होंगे उनकी संख्या बड़ी होगी, वो बहुत युवा होंगे और वो प्रशिक्षित होंगे और शारीरिक रूप से बहुत सक्षम होंगे, फौजी प्रशिक्षण उनको प्राप्त हुआ होगा, एक तरह से वो अनुशासित भी होंगे, यानी वो जो भी काम करेंगे उसमें अनुशासन की भावना है, तो वो उनको उनके लिए संगठित होना आसान होगा राजनीतिक रूप से, लेकिन वो किस रूप में पैन आउट होगा, किस रूप में वो सारे देश की सड़कों के ऊपर उसकी अभिव्यक्ति होगी, तब तक
रेवड़ी कल्चर किस स्तर में पहुंच जाएगा, क्या उन लोगों के लिए भी कोई एक रेवड़ी है सरकार के पास? हो सकता है उन लोगों के लिए एक खास तरह की रेवड़ी की तैयारी हो रही हो, और जैसे ही उनके भड़कने का नंबर आए उनको रेवड़ी थमा दी जाए। तो ये सब हो रहा है। अब ये चूंकि पश्चिम जो है, पश्चिम में आबादी बहुत कम है, पश्चिम की कोई मतलब भारत और पश्चिम का इस मामले में कोई मुकाबला ही नहीं है। भारत में आबादी बहुत बहुत है, इतनी कोई सीमा नहीं है जो दोनों के बीच के फर्क की। तो भारत में हर चीज जो है वो अलग तरीके से घटित होती है, देखिए उसका क्या नतीजा निकलता है। क्योंकि मुझे लगता है कि केवल रेवड़ियों की दम पे क्या पूरे सार्वजनिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को शांत रखा जा सकता है? क्या उसमें विस्फोटक स्थितियां पैदा होने से रेवड़ियों की दम पे बचाया जा सकता है? संसद में जो घुसपैठ हुई है वो उसकी पहली अभिव्यक्ति है। ये अभिव्यक्ति आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी किसी को कुछ नहीं पता। एक ऐसा समय आ सकता है जल्दी ही जहां रेवड़ी बनाम सुनिश्चित रोजगार उसका एक तरीके से द्वंद्व सामने आए कि आप हमें रेवड़ी मत दीजिए, हमें सुनिश्चित रोजगार दीजिए। जनता जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो गया और उसकी राजनीति का अभिव्यक्तियां हो गई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, तब लक्ष्मण यादव और दूसरे कुछ इस तरह के अच्छी बातें सोचने वाले नौजवान मेरे पास आए थे और उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि क्यों ना देश में एक बेरोजगारों का आंदोलन शुरू किया जाए। उसके लिए वो तमाम नेताओं जिनसे मिल सकते थे उनसे मिलने की कोशिश भी कर रहे थे। मैंने भी उसमें कुछ दिमाग खपाया था, हालांकि मेरे पास ऐसा कोई सुझाव नहीं था जिससे उनको मदद मिल पाई होगी, क्योंकि वो व्यवहारिक राजनीति का सवाल था। मेरा बस यही कहना था कि उसको जितना आप गैर पार्टी रखेंगे उतना उस आंदोलन को लाभ होगा, लेकिन अंततः वो कुछ हो नहीं पाया। बेरोजगारों का कोई भी आंदोलन इस देश में आज तक चला नहीं है। जो बेरोजगारों की नाराजगियां होती हैं वो दूसरे आंदोलनों में व्यक्त होती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि बेरोजगारी का कोई तहरीक, कोई बेरोजगारी के खिलाफ कोई तहरीक, कोई आंदोलन, कोई इस तरह की चीज जो है वो सामने आई हो। मैं कह नहीं सकता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान में बेरोजगारी की जो हालत है उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। चूंकि आपने लक्ष्मण यादव का नाम लिया तो इसलिए मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि वो 13 या 14 साल से जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ा रहे थे और उन्हें वहां से हटा दिया गया। तो ये जहां रोजगार है खासतौर पर अकादमिक दुनिया में, वहां पर भी विचारधारा का जरूरत से ज्यादा या बहुत ही एक तरीके से वर्चस्व हो चुका है कि अगर आप एक खास विचारधारा को नहीं मानते तो आपके लिए रास्ता बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि आप नौकरी पा लें। तो ये भी एक स्थिति बनती जा रही है। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए मेरे पास इस बीच में चूंकि मुझे एक दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से मेरा संस्थागत संबंध था, तो मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आए जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे, और उसमें एक आध को छोड़ के किसी की मदद नहीं कर पाया क्योंकि मेरी सीमाएं हैं। मैं चाहता सबकी मदद करना था, नहीं कर पाया। फिर धीरे धीरे मुझे पता चलता गया कि इनमें से बहुत से लोगों की जिनकी मैं मदद नहीं कर पाया हूं उनका किसी न किसी कॉलेज में नियुक्तियां उनको मिल रही हैं। यानी कहीं ना कहीं से उन्होंने जो आज के वक्त के जो हाकिम हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए संगठन के लोग हैं, उनसे उन्होंने ताल्लुक स्थापित करके कुछ तिकड़म करके उन्हें अपनी वफादारी का प्रमाण देकर किसी खास किस्म के समूह में शामिल होकर और उनके साथ रहकर उन्होंने भी कहीं ना कहीं से उन सूचियों में अपना नाम दर्ज करवा लिए जो प्राथमिकता की सूचियां थी और उन सबको रोजगार मिल गए। अब उनमें से कुछ लोग अपनी पत्नियों को रोजगार दिलाने के लिए वो इसी तरह की मुहिम में निकल पड़े हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो जो लोग इस तरह की जुगाड़ कर पा रहे हैं उन लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो लोग पुराने किस्म की जुगाड़ों के आदि हैं उनके रोजगार छिन रहे हैं, या जो लोगों ने पाला बदल लिया है उनके रोजगार बच गए हैं या उन्हें नए रोजगार मिल रहे हैं। तो ये इस तरह का माहौल है। ये कहा जा रहा है, मीडिया में ऐसी रिपोर्ट है कि राहुल गांधी एक दूसरी यात्रा पर निकलेंगे और उसमें जीविका और रोजगार के मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, हालांकि अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं आई है। चुनाव 4-5 महीने बाद हो जाएंगे, चुनाव का पूरा माहौल बन जाएगा, तो क्या इस तरह की यात्रा के लिए ये सही समय है या राहुल गांधी देरी कर? देखिए कुल 3 महीने रह गए, कोई 4-5 महीने उपलब्ध नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले 5 महीने उपलब्ध थे, 2 महीने इसमें खप गए, अब कुल मिला के 3 महीने रह गए। दिसंबर के महीने को तो आप मानिए मत,
जनवरी फरवरी मार्च, बस उसके बाद आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। मई में तो वोट पड़ने ही पड़ने हैं, अप्रैल और मई में चुनावी मुहिम चलेगी और उसके बाद वोट पड़ेंगे। तो अब आप ये सब बातें, इन लोगों को विपक्ष को चाहिए कि ये सब बातें भूल जाइए कि इनके पास बहुत सारा समय है। अब ये यात्राएं करने का समय नहीं, ये समय न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने का समय है, ये समय विपक्ष की एकता को मजबूत करने का समय है, ये समय एक नैरेटिव बनाने का समय है जो विपक्ष एकताबद्ध होकर चलाएगा, देश की जनता के सामने ये पेश करने का समय है कि विपक्ष भाजपा के खिलाफ एकताबद्ध है। अगर एक 15 दिन से एक महीना है केवल विपक्ष के पास, अगर से एक महीने में उसने ये सब नहीं किया तो 80% बाजी वो हार चुका है, बाकी बची 20% बाजी भी हार जाएगा। जो आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो क्या उसके बाद ईडी सीबीआई की गतिविधियां थम जाती है राजनीतिक नेताओं पर? देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं ये कभी नहीं मानता हूं कि कोई जो वास्तविक जननेता है वो ईडी और सीबीआई से डरता है, वो नहीं डरता है। डरते वो लोग हैं जिनको अपने समर्थन जनता के प्रति, जो समर्थन जनता में समर्थन आधार है उसके ऊपर उन्हें अविश्वास होता है, और जिन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया हुआ होता है जिसको वो छुपाना चाहते हैं। तो ये विपक्ष की समस्या है और मोदी जी इस समस्या को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए वो इस नाजुक जगह के ऊपर लगातार चोट करते रहते हैं और विपक्ष दर्द के मारे बिलबिलाता रहता है। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, और विपक्ष की राजनीति और देश की राजनीति आगे किस दिशा में आगे बढ़ती है इस बारे में हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से लगातार बातचीत करते रहेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं और देश की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर फिर से प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।